आज तो मैं भरी पड़ी हूँ। ये जो रोज रोज का ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड, इसका जो प्रचलन हो रहा है ना, ये तो बहुत ही परेशान करने वाली चीजें हैं। घर में हर समय चाहिए ब्राउन ब्रेड खाएंगे, ब्राउन ब्रेड का ही नाश्ता, उसका सैंडविच, यही करेंगे वही करेंगे। मतलब व्हाइट ब्रेड अगर आ गई गलती से तो अरे इसमें तो मैदा है, ये तो वेट बढ़ा देगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें होंगी, बस उसके चक्कर में रोल मंगाओ ब्राउन ब्रेड, खोलो नहीं तो बस खत्म। एक बार का पूरे परिवार का नाश्ता भी नहीं बन सकता उससे। मतलब खानी तो वही है, वही दिक्कत है सारी। उसके बाद फिर देखो ब्राउन ब्रेड खाएंगे और वेट नापते रह जाएंगे। वेट नापेंगे अगर 100-200 ग्राम बढ़ गया तो बस फिर तो पूछिए मत, पूरा दिन बस ऐसे ही रहेंगे। फिर ये नहीं कि किसी ने बड़े प्यार से, बड़े उससे मेहनत से खाना बनाया, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, पूरा दिन बीत जाएगा। हाँ और जहाँ शाम हुई अपना दिमाग में, अरे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं, तो मतलब बाहर जाके ही कुछ खाना है तभी इनका पेट भरेगा। मतलब फिर गए, अपना प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का, बाहर जाके फिर इतनी ऑयली चटपटी मसालेदार, मतलब वो सारे छोले भटूरे, पिज्ज़ा, बर्गर, इनमें मैदा किसी में कुछ नहीं है। मतलब उससे वेट नहीं बढ़ता, जो घर में चीज़ बनाई जा रही है उससे ही वेट बढ़ रहा है। फिर अपना खा पी के आए, अपना आने के बाद अपना लेट नाइट सोए, लेट नाइट सोए तो सुबह क्या उठना है, फिर क्या लेट उठे, उसके बाद फिर वही वही चिड़चिड़ापन। और मतलब इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो पॉजिटिविटी क्या आएगी, क्या एनर्जी मिलेगी? अब भाई घर के खाने से ही एनर्जी मिलती है ना, और क्या। अगर नहीं खाओगे, कोई अच्छी चीज़ नहीं खाओगे तो क्या अंदर शरीर में जा रहा है, क्या उसे सोच भी आपकी वही बदल रही है, वही सब कुछ हो रहा है, वही चिड़चिड़ापन, वही मतलब इम्पेशियंस, सारी चीज़ें आपको वही मिल रही है। नेगेटिविटी हर समय छाए जा रही है, हर समय यही है, आलसपन और कुछ नहीं है बस। और क्या ये अपने लिए बना रही हूँ, फ्रीज में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं तो क्या करूँ, खुद ही ठूस लूँगी, इन्होंने तो खाना है नहीं, ये तो दूसरों का गुलाम है, दूसरों कोई के उनकी गुलामी मंजूर है। खुद अगर कोई बड़ा घर का कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा है, भाई कितना गुलाम बनोगे, कुछ अपनी भी तो सोच रखो, पहले गुलामी से आज़ाद हुए ना, बस अब हो गई ना बहुत गुलामी, अब तो बस करो, अब तो इससे निजात पाओ, बस बस बहुत हो गया, अब तो बस राम राम जी।